करना लाइक बेटा की कहानी पसंद आओ सब्सक्राइब करियो कमेंट करियो। एक बुड्ढो थो तो वो न्यू मतलब एक स्टेशन पर ड्यूटी आलो आदमी थो उसकी रोटी राटी बना के ना आपको गुजारो करया करतो। तो उसकी है ना खूब मतलब पानी भी भरया करतो और खानो भी बनाऊ दो सारो काम करया करतो। तो न्यू कर करके नर उसने आपका बालक पाल लिया और बड़ा बड़ा हो गया। तो फिर उसने भाई ब्याह लायक होया जिद वह ब्याह दिया दोनों। तो ब्याह पाछे फिर वह बहू आ गई जिद आपस में लड़े चार मतलब बेटा और बहू आपस में प्रॉपर्टी खातर लाग गया भाई कूट काटूंगा घर घूर होगा थोड़ो बहुत उसके बूढ़ा ने पैसा जोड़ रखा था कि हम थोड़ा बहुत है। तो वह न्यू कह तेरे कन फालतू वो न्यू कह तेरे कन फालतू। तो न्यू कर करके बूढ़ा ने आधी तो एक ने दे दी राधी दूसरा ने दे दी दोनों ने दे दी प्रॉपर्टी दे दी। तो उनने फिर सोचे उन्नी बोले मन भाई कौन सा एक जनू दे दियो रोटी मैं क्या करूँ मन तो दो रोटी चाहिए और दोनों की प्रॉपर्टी बराबर कर दी उसने जो भी कमा जोड़ रखी थी। तो फिर थोड़ा हा दिन तो दई फिर नहीं बोलिया ना भाई मेरे तो रोटी कौन दे जा बाबू तू दे दे वो नहीं होगा मेरे कन को नहीं तू दे दे। तो उनने टेम बांध लियो छः छः महीना को छः महीना एक देगो और छः महीना एक देगो। तो छः छः महीना थोड़ा सा तो दिन तो दई पाँच फिर ऊँ मैं भी रोल माचन लग गई रोल माचन लग हाँ एक ने कहा भाई का मेरे कन को नहीं भी तो बाबू रोटी देने को तू दे। दूसरों ने कहा भाई ये तो तेरा नंबर से मैं क्यों दूँ मन तो दे दी छः महीना। फिर भाई जिसको नंबर था उसने ठाडते देनी पड़े तो वह कोई सब्जी नमक को नहीं गे रहे कोई किसी ये दी बहू एक दिन नमक नमक को दियो वहीं सूखी रोटी धर दी सब्जी में नमक को गे रहे उन्हें टोटल को पानी 500 करके धर दियो आग गए। तो ये बुढ़ा उनके हाँ बुढ़ा ने सुना तो थी सारी है उनकी वह के करे हैं हाँ। तो उसकी आत्मा तो दुख पावाई थी शरीफ आदमी था वो इज्जत आलो। तो सुनो बहुत ही कही बेटा इसमें नमक तो गे रहे भाई पानी जी सो भी है गे सब्जी कोई फाड़ी फूड़ी से तो थोड़ी बहुत चरचरी तो हो रोटी दका ली नुकन दिए थाली ठा लेगी हाँ जाले खाली है कि था खाना भी चार का डस तो खाली है कि था खाऊ तो मार्कन को रोटी हाँ कोई मेरकन रोटी ठा लेगी। तो ये बुड्ढो की जा अगला तो छह महीना पहले बड़न को दे दूसरों तो बड़न दे हाँ। तो आपकी था धोती गुड़ता रहे भाई लठोड़ी लेके ना चल पड़े तो जाके ना स्टेशन पर रहन लग गयो कि जा बुढ़ा आदमी कमान जोगो भी कोनी वो काम करें हाँ। तो उत्तर लेकर के ना दूसरा शहर में चले गए कितने अरे कितने रहन लग गयो स्टेशन पर चल जा कोई कोई किसी मंदिर का कोण है मैं भाई सर्दी हूँ तो अभी सेकंड मांगली होगी रिजाई रिजुई और रहन लग गयो सर्दियाँ की टेम अरे एक कोण में अपने सर्दी लग गया तो बैठे हो ले हाँ कोई सो जा कोई बैठ जा हुई। तो जिस टिट्टी का वो मतलब रोटी राटी बनाया करतो ना जिसकी हाँ। उसकी उससे शहर में ड्यूटी हाँ। तो वह एक दिन मंदिर में आ गया दोनों वह भी उसकी वो आदमी भी उसकी वीर बनी भी तो वह प्रसाद लेके ना न्यू मतलब बटन खतरा है तो वो बुढ़ो बैठे हो बुढ़ो हो रहे हो कति फिर भी टिट्टी ने पिछाड़ लियो पिछाड़ लियो हाँ आगे हो तो वो है अंकल जी है जो वही खानो बनाया करते खानो बनाया करते बैठे हाँ। उस वीरबानी ने उस तक प्रसाद दई तो लेकिन फिर बैठ गए बोल बालो और फिर उसको टेम हो गया वो चल पड़े लेके प्रसाद भाई आपकी जी तो सामान धरियो थो जान खातर तो उसने वो पिछाड़ लियो कि उस है तो वो ही हाँ। तो वह वीरबानी नहीं हो लियो डटे एक बार तू गाड़ी में बैठी इतना माँ उस और वो उसका गल गल हो लियो गल गल हो गई थोड़ी दूर जाके ने बोले अंकल जी नमस्ते कोनी बोलियो आगे थाना कौन अंकल जी बोल रहे थो हाँ गरीब बुढ़ो आदमी फिर भिखारी डाल कपड़ा भी साई मैल मूल कर डीरू डीरू ही हो गए वो बेचारो भी खड़खातो खांसी जुकाम और बुढ़ा आदमी का कौन दवाई दे थो उसने। तो वो फिर बोलियो उसको नाम लेके बोलियो नाम लेके बोले तो वो डट गयो हाँ डट गयो तो वो
बोलियो कैसे मैं पहचानियो, बोले बेटा मन्नत को नहीं पहचानियो, बोले तू बुढ़ा को नाम बता दियो उसने, तू वो अंकल से और तू मेरा खानो बनाया कर तो मैं वो ही टिट्टी हूँ मेरे मकान पर रहता था जिद फिर नहीं बोलियो ना तेरा गलत फहमी हुई सब वो नहीं सोच सकती तेरी क्यों बेइज्जती करूँ आओ भाई हाँ भर ना भर है गोता नहीं हो नहीं जाने गोर कोई होगो चलियो जागो बोले ना तो वो ही है फिर उसने हाँ भर ली बोले वो ही सुन गल पड़ा जिस भर नहीं पड़ी हाँ तो नहीं बोले नहीं बता तेरी ये हालत किस तरह हुई या के ना बताई तेरा मैं तू उ रह लागे आके क्यों हुई इसी हालत है कमा के खानी हो इज्जत आलो मानस थो तो बुढ़ा ने बता दी भाई मैं मेरा दो बेटा से दो बेटा था से नहीं था दो बेटा था और मैंने मेरी सारी प्रॉपर्टी दोनों तय आधी आधी दे दी आधी आधी दे दी अरे दोनों ने मैं पाछा मेरी रोटियां पर आधा आधी बाट ली छः महीना एक देगो छः महीना एक देगो और फिर ऊ मैं भी मैंने कारण लाग गया रोल होगी मेरी रोटियां हूँ मैं भी और एक दिन तो इतनी होगी कि बस मैं तो डटे हुए ना गयो मैं तो चले पड़ियो ना तो मन कोई टो बनायो ना मन कोई बला बनायो मेरे साथ कोई को नहीं आयो उस दिन के बाद में और मैं तो उरे ही रहूँ मैं तो उल्टा मुड़की मैं नहीं गया हाँ उल्टा मुड़की तो खिंच जा था कौन बढ़ दे उनके तो उनने तो रांध सी काट दी बस ठीक से चल पड़े तो वो नहीं बोलियो टिट्टी नहीं बोलियो चल अंकल जी तू मेरे साथ चल मेरे कन रहे मैं रखूंगा तन मेरा बाप को नहीं अरे माँ को नहीं तो मैं नहीं सोचूंगा भाई मेरा माँ मिल गया हाँ बाप मिल गया मने और बूढ़ा आदमी की तो आशीर्वाद खतरा हाथ उठा गो ना वो भी फल दे है हाँ तो नहीं बोलो ना बेटा वो शर्म आ गयो नहीं जाने तेरा बेटा है कन पार ना पड़ी तो बेटो तो ले जा बहू के बुरागे किसी पाव है तो नाइट गयो जानते नहीं बोलियो ना बेटा मैं कोई नहीं जाऊँ मैं तो उरा ठीक सूँ उरा रूँगो उसने नरिया नहीं उरा काटिया पर वो उन्हें आए को नहीं भरी आना भरी तो वो अपने चले गए घर में जाके नर उसने आपकी बीरबानी तो ही बताई निन्नू बात थी आग में निन्नू गयो थो और बूढ़ा साथ निन्नू बन गई तो वह फिर न्यू बोली हाँ कुछ ने फिर अपने लिया बूढ़ा आदमी तो अपने न्यू सोच लेंगे माँ बाप को नहीं और बाप की जगह अपना आ जाएगा हाँ अपने आप दे देंगे रोटी बोले नहीं तो वाह वाह को नहीं मैं तो जाया आयो उस तो हाँ न्यूरा काट आयो हाँ तो न्यू बोली वाह तो न्यू करिए बुढ़ा के लिया उन्हें चाहे क्यों करे लिया तो उसने सोची ठीक से तो तू इतना रोटी राटी बना मैं यो गई और यो आयो स्कूटी लेके चलो जाके नहीं बोलियो अंकल जी मेरी तो दूसरा शहर में ड्यूटी आ गई डेढ़ महीना की ट्रेनिंग पर जाऊंगो और वह तेरली बोड़िया एक ली से करना है तो गणा दिन ना चल तो डेढ़ महीना चल पड़े मेरा नहीं शांति हो जाएगी एकली को नहीं करना है दो उसका दोहरा नहीं चाहिए उन सार हो जाएगा और एकली छोड़ने मेरा जी को नहीं करे तो फिर बुढ़ा नहीं सोची फिर तो भाई जरूरत है तेरी उसकी मदद की तो मदद तो करनी चाहिए तो वो नहीं बोलियो ठीक सा बेटा मैं चल पड़ूंगा तेरे साथ है मन डेढ़ महीना में तू आऊंगी मन उल्टो छोड़ जाइए हाँ मन नवरे छोड़ जाइए फिर मैं तेरे ऊपर बोझ को नहीं बनू तो नहीं बोलियो ठीक सा छोड़ जाएंगे तन तो वो अपने चल लियो लेकिन उसने वो अपने तैयार बैठी जिद केस है घर ने वह त्यार रोटी राटी बनाई और त्यार बैठी जंदी रजी होगी और बैठा कि ने रोटी राटी खुआई बैठक में बैठा दियो कपड़ा दे दिया नया नया अलग और नुआ दुआ कि न बैठा दियो तो फिर डेढ़ महीने वो ट्रेनिंग पर के कितना जा था वो तो हाँ तो वो पिछला गेट में कर जा लकड़की ने ड्यूटी पे अरे उत्तर कर भीतर आ जा उसका छहमी को नहीं आवा छहमी ना आवा तो बुढ़ो नहीं सोचा ट्रेनिंग पे जा रहे हो दिखात को नहीं ढाई महीना हो गया ढाई महीना हो गया तो ढाई महीना में
आयो वो वो रोज बाटते बहू ने बुझे हाँ बेटा कदे आओ गो ट्रेनिंग पर तो डेढ़ महीनों तो हो गयो डेढ़ महीना है कि ना को हाँ कह के गए तो कई दिन ला दिया उन तो अंकल जी आ जाएगा आया पाछा तो दिखेगा अपना आया कौन सही वह और वह बहू उसकी खूब सेवा करे उसकी खांसी भी ठीक होगी दवाई दवा ठीक हो सारो ठीक हो गए वो ढाई महीना पाछ है वो आयो आगे एकदम हाँ दिखे उसने तने बोले हाँ बेटा तू कू आयो बोले अंकल जी मैं रात ना आए थो आप सो रहा था जब आ गए थो हाँ तो बोले न्यू कर बेटा ई मन छोड़ा उत्ता छोड़ा तो वो ही हाँ ई मन उत्ता छोड़ा जी ने बोले ना वो तीम के करेगो जाके तेरे सेवा पानी को नहीं करी बहू ने जिन्ने लियो ना याने तो मेरी बहू ने भी को नहीं करी मेरे भगवान ने बेटा ने को नहीं करी जितनी सेवा पानी इसने करी इसको भगवान भलो करे जुग जुग जीवो और भाई सारा आशीर्वाद दिया बुढ़ा क्या तमाशी लगी होगी नहीं बोले इसने मेरी सेवा करी ना इसी कोई नहीं कर सका जिन्ने बोले तो फिर तुम्हारा ही दौरे रह जा जाके के करेगो है तो नहीं बोलो ना मैं तार पर बोझ को बनो तो बोले फिर इसका मतलब हम ना अपना को नहीं समझे तू अपना को ही समझे हाँ बत्तम ले आ लियो किन्ने और वो बुड्ढा उसने डांट लियो तो आप खुद का बेटा ने तो वो परा भगा दियो और दूसरा बेटा ने जिसका वो काम कराया कर तो ने उस बेटा ने वो रखियो और उनका सेवा करी और सेवा को फल तो मिला है बुढ़ा आदमी को अपना की तो करनी भी चाहिए तो दुनिया करा से हाँ बुढ़ा से कोई भी हो जब वो अपन करा बुढ़ा की सेवर पाव पाव मेवा या मेवा लेनी है ना जैसे कोई राजा दा उसने कॉफी पिया जिनसा की वही पड़ेगी लई को नहीं जा सब ते हैं अरवा दे ले वो इसी हुआ थी तो सब क्या है कि उनका टोटो थोड़ी आए बुढ़ो रखें ते कितना दिन चल लगी उन्होंने सोची देखता धरती इतना दिन पालया और कमा की धरती दे तो चार टू कम दो टू कम के हुआ है दो बेटा दो बहू स्टेशन पर रहे हो भूखो तीस आयो कोई टुक मिल गया कोई टाला खांसी जुकाम घर छोड़ो तो उन बेटा खातर दुआ नहीं लेकड़ेगी बद दुआ लेकड़ेगी और जिस बेटा ने वो खबाद करी उसकी कोशिश करी उसका तरदुआ लिखेगी बोले मेरा तो असली बेटो यो से और यह बहू से वो मेरा बेटा को नहीं हुआ तो मेरा दुश्मन था ये दियो। सारी बाणा ने राम राम कहानी पसंद आई हो सब्सक्राइब करियो कमेंट करियो।